गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि सभी लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि गर्मियों में फेस में क्या लगाना चाहिए जिससे हमारे फेस में कोई प्रॉब्लम ना हो, फेस प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि एक्ने, पिंपल्स गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा फेस में होते हैं, जिसकी ऑयली स्किन होती है मेन उनके फेस में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। गर्मियों में ज़्यादातर ऑयली स्किन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो अपने फेस में ऐसा क्या यूज़ करें जिसकी वजह से वो पिंपल से राहत पा सकते हैं। वैसे तो कई लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि एलोवेरा जेल पिंपल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन एलोवेरा जेल भी आजकल इतने सारे ब्रांड के निकल गए हैं ना, तो कई लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि कौन सा एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए अच्छा है, और कई लोगों को शायद एलोवेरा जेल सूट भी नहीं करता हो। तो ऐसा नहीं है कि एलोवेरा जेल बुरा है इसलिए आपके फेस को सूट नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है किसी ब्रांड का एलोवेरा जेल है वो आपके फेस में सूट नहीं कर रहा है। सो आपको ऐसे में प्लांट के एलोवेरा जेल होते हैं वो यूज़ करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल हो सकता है। सो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि पतंजलि का एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए ज़्यादा अच्छा है या गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए अच्छा है। सो जहाँ तक दोनों एलोवेरा जेल की बात करें तो यहाँ पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है वो 150 ml है, जिसका MRP आपको सिर्फ 90 rupees में 150 ml यहाँ पर मिल रहा है। वही अगर गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल की बात करें सो आपको यहाँ पर 100 ग्राम मिल रहा है और जिसका MRP है आपको 250। दोनों की क्वांटिटी देखिए तो पतंजलि का जो एलोवेरा जेल है वो देखने से लग रहा है कि इसमें थोड़ी बहुत मिलावट की गई है। और जहाँ बात करते हैं गुड वाइब्स के एलोवेरा जेल की, सो ये 250 में आपको इतना ही मिल रहा है। दोनों की अगर कंसिस्टेंसी देखें सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, बहुत ज़्यादा पतला लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जिससे इसमें कुछ मिलाया गया है, ये प्योर नहीं लग रहा है। सो मैं ऐसा नहीं कह सकती कि एलोवेरा जेल आपके यूज़ का नहीं है, आप इसे अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ बताती है गर्मी की, तो आप पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ ना करें, आप इसे अपने हेयर्स में अप्लाई कर सकते हो। गुड वाइब्स की कंसिस्टेंसी देखते हैं, ये जो प्लांट का कलर होता है वही है, वाइट कलर का है ये, और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ उसको, और ये काफ़ी ज़्यादा थिक है और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये बिल्कुल पतला नहीं है। अगर आप इसे अपने फेस में लगाते हो तो ये फेस में इतना अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा कि आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपने फेस में कुछ लगाया भी है। 2 सेकेंड बाद ये अपने आप एब्जॉर्ब हो जाएगा। जैसे कि मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज़ किया है सो ये मुझे अपने फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप गर्मियों में इसे अप्लाई करते हैं एक अलग ही आपको डिफरेंस दिखेगा। अगर आप इसे 1 week भी अप्लाई करते हैं तो आपको अपने आप अपने फेस में डिफरेंस दिखेगा। आपके अगर फेस में एक्ने हैं, पिंपल्स है, तो वो धीरे धीरे जाने लग जाएंगे। सो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगी कि गर्मियों के लिए गुड वाइब्स का जो एलोवेरा जेल है वो सब में बेस्ट है। अगर आप गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल आपके फेस में अप्लाई करते हैं समर्स में सो आपको आपके फेस में एक अलग सा ही ग्लो दिखेगा और बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है। अगर आप गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल अपने फेस में अप्लाई करते हैं समर्स में सो आपको आपके फेस में 1 week आफ्टर 1 week एक अलग सा ही आपको डिफरेंस दिखाई देगा और इसका स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो आपको अगर एलोवेरा जेल से एलर्जी हो, कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो एलोवेरा जेल से, अगर आपने पहले पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ किया हो सो आपको नहीं सूट कर रहा हो सो आप एक बार गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल अप्लाई करके देखेंगे सो आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मैं खुद पतंजलि का एलोवेरा जेल फेस में अप्लाई करती थी बट मुझे ऐसा कोई डिफरेंस दिखाई नहीं दिया। इसे मैं अपने हेयर्स में अप्लाई करती हूँ सो मुझे हेयर्स में काफ़ी अच्छा असर दिखता है इसका। कुछ टाइम से मैं गुड वाइब्स का एलोवेरा जेल अप्लाई कर रही हूँ, इसके मुझे काफ़ी ज़्यादा फायदे हुए हैं। अगर फेस में आपके कोई भी दाग धब्बे या फिर कुछ भी हो या फिर पिंपल आने वाले हो सो अगर आप इसे अप्लाई करते हैं सो आपके फेस में ज़रूर डिफरेंस दिखेगा। अगर आपके फेस में कोई भी प्रॉब्लम हो सो इस एलोवेरा जेल से आपके फेस में वो चल जाएगा और आपकी स्किन को ब्राइट भी करेगा और साथ ही आपकी स्किन को स्मूथ भी रखेगा। अगर आप ये खुद अप्लाई करेंगे सो आपको आपके फेस में एक अलग सा ही डिफरेंस दिखाई देगा। सो फ्रेंड्स, दोनों ही एलोवेरा जेल गर्ल्स, बॉयज, मेंस, वुमेन्स हर कोई अप्लाई कर सकता है। बस मेरी पर्सनल एडवाइस है कि आप इसे एक बार फेस में अप्लाई करके देखिए और इसे आप अगर हेयर में अप्लाई करेंगे सो आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो गाइज, बस इतनी सी चीज मुझे आप सभी के साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।